हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रेल न्यूज। दोस्तों आज की पहली खबर रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से है, जहां पर रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को अपने आगे आने वाले जो रेलवे प्रोजेक्ट हैं उसके लिए 665 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें कि इस ऑर्डर में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है रेल विकास निगम लिमिटेड को रेल लाइन की सप्लाई करेगी। दोस्तों यह जो रेल लाइन है 89,064 टन्स की है, जिसे कि आगे आने वाले जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें यूज किया जाएगा, और जहाँ जहाँ पर जो है ट्रैक्स का दोहरीकरण या फिर जहाँ ट्रैक्स नहीं है उस वहाँ पर जो है रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो इस तरह से जो है आगे आने वाले रेलवे का जो है बहुत अच्छा विकास होगा, और जहाँ जहाँ रेलवे लाइन नहीं पहुँचे हैं वहाँ वहाँ भी रेलवे लाइन जो है पहुँचेंगी, और साथ ही साथ जहाँ सिंगल रूट हैं वहाँ के रूट जो है डबल हो जाएंगे। दोस्तों अगली खबर इंडियन रेलवेज के जो IRCTC की वेबसाइट है उसमें एक स्कीम को लेकर है। रेलवे अब करने क्या जा रही है कि यात्रियों को जो है फ्री में टिकट जो है कटने का फैसिलिटी शुरू करने जा रही है। अब उससे होगा क्या कि कोई भी यात्री अब फ्री में जो है टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं, और उनका जो पैसे का भुगतान है वह उसे 14 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि IRCTC की वेबसाइट में लॉगिन करना है और वहाँ पर उसके पूरे डिटेल्स जो है भरने हैं। भरने के बाद उसमें आपको ई लेटर का ऑप्शन मिलेगा, उस ई लेटर के ऑप्शन में जाकर सारे डिटेल्स भरने के बाद आप टिकट की जो है बुकिंग कर सकते हैं, और उसके बाद जो उस पैसे का भुगतान आप 14 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। अब उसमें यह बताया गया है कि अगर आप पैसे का भुगतान टाइम पर करते जाते हैं तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट बढ़ती जाएगी, और अगर आप पैसे का भुगतान नहीं करते हैं टाइम पे तो आपका अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों इस सुविधा के लिए रेलवे जो है एक थर्ड पार्टी जो है कंपनी है उसको ऐसी फैसिलिटीज जो उनके हायर करके दिया जा रहा है, जिसके द्वारा इस तरह की जो है सुविधाएँ यात्रियों को दी जाएगी। दोस्तों अगली खबर पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से है, जहां पर सहरसा जंक्शन से चलने वाली बांद्रा एक्सप्रेस और राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है अब HOG टेक्नोलॉजी के द्वारा चलेंगी। दोस्तों इस HOG टेक्नोलॉजी से कि हेड ऑफ जनरेशन बोला जाता है, इसमें होगा क्या कि जो लोकोमोटिव है आगे उसका पेंटोग्राफ OHE से डायरेक्ट सप्लाई को लेकर कोच को देंगे। इससे होगा क्या कि ट्रेन के अप एंड डाउन में 5000 लीटर डीजल की बचत होगी, क्योंकि इसमें जो है किसी भी प्रकार का EOG जो कि इंड ऑफ जनरेशन होता है, जिसके ट्रेन के दोनों ओर जनरेटर कार लगाया जाता है, उसे नहीं लगाना पड़ेगा, और जो है लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ डायरेक्ट OHE से सप्लाई लेकर पूरे कोच को सप्लाई की आपूर्ति करेगा। दोस्तों इस तरह से अगर ये टेक्नोलॉजी सारे ट्रेनों में अप्लाई की जाए तो इससे रेलवे की बहुत ज़्यादा डीजल की बचत होगी। दोस्तों अगली खबर पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से है, जहां पर जबलपुर, भोपाल और कोटा के जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके होनहार बच्चों को केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के द्वारा जो होनहार बच्चे हैं उन्हें जो है 250 करोड़ का स्कॉलरशिप देने की योजना बनी है। दोस्तों इसमें होगा क्या कि जो भी होनहार बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, अगर उस एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें इतने रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। साथ ही साथ इस योजना में बताया गया है कि वहाँ के जो उनके बच्चे हैं अगर वो किसी भी प्रकार से विकलांग हैं तो उन्हें जो है 80 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से रेलवे के द्वारा उनके जो एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है, जिससे कि उन्हें इस तरह से प्रोत्साहित मिलेगा। दोस्तों अगली खबर DLW वाराणसी से है, जहां पर DLW वाराणसी में WAG 7 जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसके 25 लोकोमोटिव को गोंडा लोको शेड में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। दोस्तों इस गोंडा लोको शेड में ट्रांसफ़र करने के बाद जो अलग अलग जोन के लोकोमोटिव जहां की इन्हें भेजा गया था वो सारे उनके जो लोकोमोटिव शेड का नाम को चेंज करके गोंडा लोको शेड का नाम दिया जाएगा, और यहाँ से अलग अलग जोन के जो 25 लोकोमोटिव हैं जिसे कि DLW के द्वारा बनाया गया था वहाँ उसे जो है गोंडा शेड में भेजा जाएगा। दोस्तों अगली खबर इंडियन रेलवेज की दुरंतो और राजधानी एक्सप्रेस को लेकर है। अब रेलवे के IRCTC के द्वारा इस ट्रेन में खाने जो खाना दिया जाता है उसके साथ साथ यात्रियों को जो है आइसक्रीम भी परोसा जाएगा। तो इस तरह से यात्रियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जिसमें अब ट्रेन में गर्मियों से राहत पाने के लिए उन्हें खाने के बाद जो है एक सभी लोगों को आइसक्रीम दिया जाएगा, जिससे यात्री इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों अगली खबर रांची से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को लेकर है, जिसे कि रांची से नई दिल्ली गढ़वा रोड बरका काना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते जाती थी, तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 6 मंथ के लिए प्रयागराज में स्टॉपेज दिया गया था, लेकिन जो यात्री अगर कोई भी प्रयागराज में उतरते तो ज़रूर थे, लेकिन उनकी जो टिकट होती थी वह कानपुर तक कटती थी, जिससे यात्रियों को जो है फ्री में 200 किलोमीटर का जो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता था, क्योंकि अगर वह प्रयागराज उतरते भी थे तब भी उन्हें जो है कानपुर का टिकट दिया
जाता था, लेकिन अब रेलवे के द्वारा जो इस टिकटिंग व्यवस्था उसके सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी यात्री जो है यहाँ इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का भी टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं, उन्हें कानपुर की टिकट की बुकिंग जो है नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से रेलवे के द्वारा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, और अगर आप इस पर जो है यात्रा करते हैं तो अब से जो है प्रयागराज का टिकट कटवा सकते हैं। दोस्तों अगली खबर, मुंबई से चलने वाले भीड़ भाड़ को देखते हुए जो भी लोग वाराणसी और गोरखपुर जाते हैं तो रेलवे के द्वारा यहां पर जाने के लिए दो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, जिसमें कि जो मुंबई से वाराणसी के बीच चलेगी वह 13 से लेकर 20 मई तक चलेगी। इस पर जो है अगर आप जाना चाहते हैं तो बुकिंग करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो है मुंबई से गोरखपुर के लिए जो ट्रेन चलेगी वह 14 से लेकर 21 तक चलेगी। तो अगर आप यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको दूसरे ट्रेन में किसी प्रकार भीड़ भाड़ मिलता है तो आप एक बार इस ट्रेन में जरूर चेकिंग करें, हो सकता है कि आपको जो है फ्री में यहाँ मतलब कि जो है बर्थ जो है अवेलेबल हो जाए। दोस्तों आज के रेल न्यूज में बस इतना ही, मिलते हैं कल के रेल न्यूज में, तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।